और अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां मिशन 24 में जुटी है सपा। 8 जनवरी को जिला सदर की मीटिंग है, 8 जनवरी को होगी महानगर सरबराहों की मीटिंग, 9 जनवरी को सपा एमएलए की मीटिंग होगी, 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्षों की बैठक की जाएगी, अखिलेश यादव की सदारत में ये मीटिंग होगी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त मिशन 2024 को फतेह करने के लिए। अब समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। 8 जनवरी को जिला सदर की मीटिंग की जाएगी, इसके अलावा 8 जनवरी को होगी महानगर सरबराहों की मीटिंग, 9 जनवरी को सपा एमएलए की मीटिंग की जाएगी और 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्षों की बैठक होगी, अखिलेश यादव की सदारत में ये बैठक की जाएगी। तो पूरी तरह से अखिलेश यादव पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए हैं। 2024 में अब जो चुनाव होने हैं हाल ही में लोकसभा के, उसमें ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। उसी के मद्देनजर सपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपनी पार्टी को मजबूती देने में, आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में, जिसे देखते हुए अखिलेश यादव भी लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू कर रहे हैं। और उसी के मद्देनजर 8 जनवरी को ये अहम बैठक होनी है और 8 जनवरी को जिला सदर की मीटिंग होगी, 8 जनवरी को होगी महानगर सरबराहों की मीटिंग। और कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जो इस मीटिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, लोगों के बीच में जो पार्टी की छवि है उसे और खास बनाया जा सके, जो जनाधार है उसको बेहतर किया जा सके। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। 9 जनवरी को सपा एमएलए की ये मीटिंग होगी, 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्षों की बैठक होगी, अखिलेश यादव की सदारत में ये बैठक होगी। तो चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो तमाम पार्टियां खुद को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। उसी के मद्देनजर ये तमाम बैठकें अब जल्दी होने वाली हैं। 8 जनवरी को एक अहम बैठक होगी, 9 जनवरी को भी बैठक रखी गई है, इसके अलावा 10 जनवरी को भी एक खास बैठक यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई है। तो 8 जनवरी को जिला सदर की मीटिंग होगी और महानगर सरबराहों की मीटिंग 8 जनवरी को होगी, 9 जनवरी को सपा एमएलए की मीटिंग की जाएगी।